आपने पूछा है कि राधे राधे संबोधन हम करते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण की जो संगति है, जो उनकी युक्ति है, जो उस मिलन के पीछे, जो उस प्रेम के पीछे एक दिव्यता का सार है, वो हमारे जीवन में नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। सिर्फ राधे राधे कहने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ राम राम कहने भर से बात नहीं बनेगी, हरे कृष्णा हरे रामा गाते रहने से बात नहीं बनेगी। उन व्यक्तित्वों का, उनकी शिक्षाओं का, उनके जीवन के उत्कर्षों का, उनके जीवन की ऊंचाइयों का जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन में समावेश नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन उच्चता की तरफ नहीं जाएगा, तब तक आप उनके प्रिय पात्र नहीं बनेंगे, तब तक वो ऊर्जाएं, वो आत्माएं, वो अवतार, वो महापुरुष या वो ईश तत्व आपको स्वीकार भी नहीं करेंगे। आप राधे राधे कहते हैं, लेकिन जो उसके पीछे प्रेम का तत्व है, जो समर्पण की भावना है, जो उसके पीछे एक सेक्रीफाइस है, जो उसके पीछे एक टोटल सरेंडरिंग है, पूर्ण समर्पण है, उससे तो हम कोसों दूर हैं, उससे तो हम बहुत दूर हैं। उस तत्व को हमें पहचानना चाहिए, उस तत्व को हमें जानना चाहिए, तभी आप राधे राधे कहकर वास्तव में राधा का सम्मान करते हैं, राधा के उस भाव का सम्मान करते हैं। और राधा आप समझते हैं, राधा वास्तव में धारा का विपरीत है। धारा वो है जिसमें सब लोग एक भाव से बहते जा रहे हैं, एक तरह की भाव में बह रहे हैं। आप देखते हैं ना, गंगोत्री से निकलती है गंगा और जाती है सागर तक, वो धारा है। लेकिन जीवन में विपरीत वर्तुल में, विपरीत दिशाओं में, विपरीत अवस्थाओं में, विपरीत स्थितियों में, विपरीत सामंजस्यों के बीच जब आपका जीवन गति करता है, वो राधा है। उस विपरीत परिस्थिति में, उन उल्टी स्थितियों में, उन खराब परिस्थितियों में आप अपने जीवन के संतुलन को बनाए रखें और आपका जो ध्येय है सागर से मिलन। सागर कौन है? परम सागर परमात्मा है। बूंद जब सागर में मिल जाए और सागर समान हो जाए, बूंद समाना समुद्र में, कबीर कहते हैं ना, तब ये यात्रा पूर्ण होती है, तब ये धारा राधा में परिवर्तित होती है। और वही प्रेम का उत्कर्ष है, वही प्रेम की निष्पत्ति है। आर्यं शरणं शुभमस्तु।